लड़की अपने भाई के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। करीब घंटे भर बाद लड़की सोकर उठती है। उसका भाई वहीं पर सो रहा था। वह फिर पढ़ाई करने लगती है। तभी उसकी माँ मार्केट से घर आती है। पर ये क्या, उसका भाई माँ के साथ होता है। लड़की यह देखकर घबरा जाती है और दौड़कर कमरे में जाती है, तो वह जिसके साथ खेल रही थी वह उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। यह देखकर लड़की हक्का बक्का रह जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसका पिता कमरे में आता है। वह फोन रखकर पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद पिता कमरे से चला जाता है। वह फिर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। वह बात करते करते रूम से हॉल में जाती है, तो उसका बॉयफ्रेंड वहीं कुर्सी पर बैठा था। वह उसे घर पर देख कर डर जाती है कि मैं तो इसे फोन पे बात कर रही हूँ, तो यह यहाँ कैसे आया। तभी फोन से आवाज आई, हेलो जानू क्या हुआ। इतना सुनते ही लड़की डर से वहीं भी होश हो गई। एक लड़की स्कूल आती है और कुर्सी पर बैठकर अपना बुक निकालकर पढ़ने लगती है। तभी क्लास का शरारती लड़का आता है और उसका बाल खींचकर कुर्सी पर बैठ जाता है। लड़की गुस्से में उसकी तरफ देखती है। इस पर लड़का बोला, अरे यार थोड़ी मजाक मस्ती होनी चाहिए। तभी लड़की कुछ अजीब तरह से हंसती है। लड़का थोड़ा डरता है और बोला, मजाक कर रही हो क्या। तभी उस लड़की का चेहरा पूरा बदल जाता है और लड़के से बोली, चलो मजाक मस्ती करते हैं, और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। टीचर यह सब देखकर डर से वहीं बेहोश हो जाती है। एक आदमी घर पर बैठकर जूस पी रहा था। तभी उसकी पत्नी आई और उसे जूस मांगती है। पति उसे नहीं देता। पत्नी गुस्से में किचन की तरफ चली जाती है। पति खुश होकर जूस पीने लगता है। तभी उसका जूस गायब हो जाता है। पति डर जाता है और दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता है और बोला, मेरा जूस गायब हो गया। इस पर पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी जूस पत्नी के हाथों में आ जाता है और उसका चेहरा भी बदल जाता है। पति यह देख कर हक्का बक्का रह जाता है और डर से वहीं बेहोश हो जाता है। बहन घर पर किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। तभी बहन अपने भाई को धक्का दे देती है। भाई का सिर दीवार से लगता है और खून से लथपथ हो जाता है। बहन यह देखकर डर जाती है और भागती हुई माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है। माँ और बहन दौड़कर हॉल में आती है, तो उसका भाई भूत बन चुका था। दोनों यह देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। एक लड़का ट्रेन का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो जाती है पर ट्रेन नहीं आती है। वह खुद ही पटरियों के रास्ते स्टेशन की तरफ जाता है। वह थका हारा स्टेशन पहुंचता है और राहत की सांस लेता है। वह ट्रेन के ड्राइवर के पास जाता है और पूछा, सर यह ट्रेन आगे जाएगी। ड्राइवर कुछ नहीं बोलता है। लड़का थोड़ा डर जाता है और ट्रेन के अंदर झांकता है, तो ट्रेन के अंदर कोई नहीं था। वह डरता हुआ फिर से ट्रेन के ड्राइवर के पास जाता है, पर ये क्या, ड्राइवर वहां नहीं होता है। लड़का यह देख कर डर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है और शहर पहुंचकर अपनी जान बचाता है।